पावना को और तेरी की कने आए ना उनकी सकरी आप बना दोगे उनको हीरो एक रात में ही क्योंकि मेरा कस्ते रहना क्या लगा रखा थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। सरसों का तेल है? सरसों के तेल में बनाते हो? अच्छा, और ये वाला कौन सा तेल है? मुंह में जबान नहीं भाई। कोई बात नहीं बाजी, गुटका खा रखा, समझ गया मैं आपकी भावनाओं को। ओए तेरी की क्या स्टाइल है भाई, मुंह पे लग रहा भी सारा सारा तेल इनका। भाई ये तो आप वीडियो जो बनाने आए ना उनकी सकरी आप बना दोगे उनको हीरो एक रात में ही क्योंकि मेरे को कस दे रहा ना अभी देख। तेल कौन सा भैया, तेल कौन सा वाला है ये भी नहीं बताओगे? रिफाइन यूज करते हो? कौन सा वाला रिफाइन? अरे भाई अभी जल्दी नहीं बनाते उन्होंने, तेल गरम कर रखा होगा ना। टाइमिंग क्या रहती है बटोरे ये दुकान की? सुबह के 8 बजे से? अच्छा, किसी दिन छुट्टी रहती है? नहीं रहती, नहीं रहती। और यहाँ बैठे ऑनलाइन मंगाना चाहता हो कोई? जोमेटो और स्विगी जिंदाबाद। आप खाते हो छोले भटोरे? नहीं खाते, कभी कभार। क्यों? हम काम करते हैं ना, ये क्या डाल दिया? शुद्ध देसी प्याज। अच्छा, ये वाला पत्तल में छोले भटोरे खिलाने का क्या राज है? ये ना मतलब ये हमारे पहले के एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो रहे हैं, इसमें ज्यादा खाना पसंद करते हैं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग मतलब कह के गए थे कि इसी में खाना। क्या बात है यार, लॉजिक वाली बातें कर रहा हूँ भाजी, छोले भटोरे की दुकान पे भी खड़े होके। और ये क्या डाला? ये चटनी, हरी चटनी है। ठीक है, थोड़े से छोले और डालो भैया, कंजूसी मत करो आज। एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा भैया? एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे? जी नहीं। ठीक है, आप कभी छुट्टी वट्टी लेते हो? नहीं लेते? हाँ लेते हैं कभी कभी ज्यादा। अच्छा, मैंने तो जाते तो ले लेते। अच्छा, दो चम्मच डाल दीजिएगा। इसका प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? ये 100 का प्लेट रहेगा। अच्छा, और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं एड्रेस एक बार बता दो थोड़ा सा। ये ओल्ड राजेंद्र नगर मार्केट का। ठीक है, भाई आपकी आ गई है ये छोले भटूरे की, नागपाल के फेमस छोले भटूरे। भाई देखने से तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से अभी हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया, थोड़े से अभी पिचक गए हैं, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी फेमस है कि भाई छोले भटूरे खाओ तो नागपाल ब्रांड के खाओ। किस तरीके का हो रहा है राहुल भाई टेस्ट? भाई छोले में थिकनेस है, छोले बढ़िया है, प्याज के साथ खा के देखते भाई। अगर मैं आपको एक हफ्ते में खाने के लिए बोलूं कि नागपाल जी के छोले भटूरे खाने हैं तो कितने दिन खाना प्रेफरेंस, कितने दिन खाना पसंद करोगे? अपने दिल से बताना पाजी। भाई छोले भटूरे आपको हफ्ते में एक बार जरूर खाने चाहिए। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा ऑयल होता है ना इसमें, तो सैचुरेटेड फैट आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ सकता है, आप मोटे हो जाओगे थोड़े से, इसलिए आप हफ्ते से एक बार ज़्यादा मत खाओ। मतलब थोड़ा सा मैं भी थोड़ा मोटा हो गया हूँ, इसीलिए आपको एडवाइस कर रहा हूँ भाई मोटे मत हो, खाना खाओ टेस्ट के लिए, मजे के लिए। अच्छा, हेल्थ मत बिगाड़ो अपनी भाई, ये बात भी सही कहा। कल को देखो हमारी वीडियो देख के जो लोग खाने चले आ रहे हैं अच्छी बात है, और फिर मोटे हो जाओगे तो फिर बोलोगे भैया पतला होने की अब तरीके बताओ, तो भैया इसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो दिल करे खाओ। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे, और देखो भाई देखो केयरिंग करता हूं मैं कितनी, भाई पता है ना भाई को कि कल को भाई स्टार बनेगा तो भाई भी साथ में स्टार बनेंगे। अच्छा मैं बताऊं, मैंने जब भटूरा खाया ना छोले का साथ, तो जैसे अपने भाई ने बताया कि छोले में ना थिकनेस है। अब जैसे स्ट्रीट स्टाइल हम खाते हैं, कहने को वो 30 रुपए का देते हैं, और अगर बात करूंगा आज इनकी तो ये दे रहे हैं भाई 100 रुपए का एक एक प्लेट। तो अगर डिफरेंस करने की बारी आएगी तो राहुल भाई से पूछता हूँ कि अगर आप स्ट्रीट में और यहाँ वाले में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? भाई सबसे पहली बात तो ना इसमें जो भटूरे में ना भाई इसका टेक्सचर सबसे अलग रह रहा है, इसमें कुछ ना कुछ जो इसके अगर बैटर होता है ना इसमें कुछ ना कुछ डाला है, मैदे के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज डाली होगी मेरे को लग रहा है इसके टेक्सचर से। दूसरी बात है जो जितना जल्दी भटूरे डाल दिया था ना उसमें, अब बहुत जल्दी निकाल दिया, मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में निकाल दिया, तो इसमें ऑयल भी मुझे कंपेरेटिवली कम लग रहा है इसमें, लेकिन कंपेरेटिवली बहुत कम है। और इनका जैसे मैंने आपको छोले बताया, छोले में एक आपको दो आलू अलग से मिलते हैं भाई, जो नहीं होते क्या आपको सूखे आलू होते हैं वो भी नोट दे रखे, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट लग रहा है मेरे को हिसाब से। और स्ट्रीट वाले में
स्ट्रीट वाले लोग जो लोग वीडियो देखते हैं उनको क्या बोलोगे भाई? देखो उसमें थोड़ा तेल ज्यादा होता है इंडीड भाई। देखो छोले भटूरे हमारा दिल्ली वालों का भाई कम्फर्ट फूड है, ये आप कभी भी खा सकते हो, किसी भी मौसम में खा सकते हो और आपको मजा आता खा के भाई, एकदम होमली फीलिंग आती है। लेकिन उसमें आप थोड़ा सा हेल्थ एंगल भी देख लो ना तो ये है, और टेस्ट भी अच्छा है। सिर्फ हेल्थ एंगल नहीं है, टेस्ट भी अच्छा है भाई। मैं आपको अपनी बात बताऊंगा ना, अगर छोले भटूरे मुझे कोई बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। आप अगर स्ट्रीट पे खा रहे हो ना, तली बात तो 30 रुपए का कोई बड़ी बात नहीं है, 30 रुपए का खाते हैं। लेकिन जिसको कहा जाता है पेपर भटूरा स्टाइल, वो जो भटूरा होता है ना, और ये वाला भटूरा जो ये वाले भटूरे की जो राहुल भाई बात कर रहे थे ना, देखो भाई थिकनेस है, अगर बंदे ने 100 रुपए ले रखा है तो भैया 100 रुपए के हिसाब से वर्थ इट है। छोले भाई ने बताया एकदम थिकनेस, ये नहीं कि सिर्फ तरी वाली पतली तरी कर रखी है और आपको एक बार दे रहे हैं दो बार दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। छोले से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारी चीजें इसमें डाल रखी है स्वाद अनुसार। एक होता है ना कि कई चीजें ज्यादा डाल देती है, उस तरीके से नहीं है। और यार मैंने आपको बता दिया, पहले ही ब्रांड है, हर किसी को पता है कि नागपाल के छोले भटूरे। मैं जब मेरे घर के आसपास लाजपत नगर अमर कॉलोनी है, मैं जब भी क्रिकेट का मैच होता है ना अपने वहाँ सैटरडे संडे, तो जो लोग हमारे यहाँ टीम जीतती है भैया, सारे दोस्त लोग जाते हैं वहाँ खा के आते हैं मजे से। पहले जब खाता था तो उस समय प्राइस था 80 रुपए, हो सकता है बढ़ गया होगा, तो इनके प्राइस हो गए अब 100 रुपए, जो कि वर्थ इट है। 100 रुपए के हिसाब से सही है। यूपीएससी के कोचिंग बच्चे करने आ रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा रहने के लिए कि जिस तरीके से राहुल भाई कहते थे, इसे खाने के बाद ना भाई कई बार नींद आ जाता है। नींद आने का कारण यह है कि भैया इसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, तो आप एक हफ्ते में एक दिन खाना प्रेफरेंस करोगे भाई? जो तेल होता है ना उसका एकदम बहुत ही तेज आंच पर रखते हो ना, तो उसमें जब डालते हो तो सैचुरेटेड फैट बन जाता है आपकी बॉडी में। जब सैचुरेटेड फैट जाता है ना, ऑयल जाता है, तो जो ब्लड होता है ना वो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो उसको अलग अलग कर, पहले जाते जो फूड होता है उसको न्यूट्रिएंट्स अलग करता है, और जो कचरा होता है वो अलग अलग भेजता है लीवर में थ्रू जाता है ब्लड प्योरीफाई होकर। तो क्या होता है ना, जो ब्लड फ्लो जब न्यूट्रिएंट्स को अलग कर रहा है तो ब्लड ब्रेन में कम जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा हम डीजे डीजे फील होता है, लगता है कि चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा नींद आ रही है, बैठ जाओ जगह पे, तो इसलिए फील होता है। जब ज्यादा ऑयल खाते हो या तो क्वालिटी कम वाले ब्रांड का ऑयल खाते हो तो उसकी वजह से फील होता है, वो आपको नींद आती है भाई। सही ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो है ना साइंस के छात्र रहे हैं तो इसलिए भाई थोड़ा सा अच्छा सा ज्ञान दे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो भाई आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हमें तो पता नहीं है भैया। तो भाई ने तुम्हें अच्छे से बता दिया कि इसे खाने के फायदे भी, और भाई ने बता दिए ना खाने के नुकसान भी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, जो लोग करोलबाग में रहते, जो लोग करोलबाग में यूपीएससी की कोचिंग लेने आते हैं ना, और जो बच्चे भी यहाँ यूपीएससी की पीजी में भी रह रहे हैं, उन बंदों को मैं कहूंगा कि भैया इनकी दुकान पर आओ और टेस्ट करके जाओ एक हफ्ते में एक दिन। भाई ने जो दिल से बताया ना कि एक हफ्ते में एक दिन खाने वाली इसलिए चीज है, डेली खाओगे तो भैया खुद से बोरियत सी आने लगेगी। क्यों राहुल भाई, डेली कोई चीज खाओगे, बढ़िया वाली चीज खाओगे तो फिर बोरियत सी आओगे, फिर आप कहोगे कि जब कुछ स्पेशल चीज खाते हो तो स्पेशल स्पेशल ओकेजन में खाने चाहिए, डेली खाओगे तो फिर बोर हो जाओगे आप खाओ। ये देखो जिस तरीके से मैंने बता रखा था, बचा दिया प्रिंस भाई, बाद में मेरे को कहेंगे आपने वो खाने दिया, बिल्कुल कम से हफ्ते भर तक खाने देंगे कि आपने सारा खा लिया था, आपने सारा खा लिया। मैंने कहा कि भाई अपने आप रुक जाते हैं, खाओ भाई। अच्छा राहुल भाई एक चीज और बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हो, अचार मेरे मालिक आप खाओ, अचार के साथ आप प्याज भी खाओ ताकि आपकी हेल्थ और अच्छी से रहे। इस प्लेट में खिलाने का क्या वो है, ये इस प्लेट में क्यों खिलाया जाता है, इसका पीछे का बताओ कंसर्न। इको फ्रेंडली है, आपको प्लास्टिक नहीं खाना चाहिए। माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, जब गर्म खाना डाल देते हो ना प्लास्टिक में, तो माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में चली जाती है, ये गलत चीज़ है। प्लस ऊपर से ना वो आपको पता है डिस्पोजेबल करना दिक्कत हो जाती है, रिसाइकिल करने में दिक्कत होती है, इसलिए जो नेचर से जुड़े हुए हैं हम भाई, पहले लोग अगर केले के पत्ते भी खाना पसंद करते थे वो भी खाते थे, तो सूखे पत्ते भी होते हैं, ये मुझे पत्ते तो नहीं पता किस चीज़ के, लेकिन सूखे पत्ते में खाना चाहिए, लोग टिक्की भी खाते हैं। तो ठीक है भाई, मैं क्या कह रहा था आप लोगों को, वो छोले भटूरे तो मैंने दिखा दिया। आप लोगों ने अपनी लाइफ में, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, हर बंदे ने अपनी जिंदगी में स्ट्रीट वाले खा रखे होंगे, किसी ने रेस्टोरेंट में भी जाकर के खा रखे होंगे। जो लोग नागपाल के नहीं खा रखे हैं ना, मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना किन किन लोगों ने अभी तक नागपाल वाले भटोरे नहीं खा रखे, वो भी स्पेशली करोलबाग के। करोलबाग में आप रह रहे हो तो भैया ये खाना मस्ट है। और राहुल भाई जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको आखिरी में क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई मेरे हिसाब से 100% आओ, बिल्कुल आओ, टेस्ट जरूर खाओ। छोले भटूरे आपको पसंद है, दिल्ली वालों को पसंद होते हैं इन जनरल, ये तो भाई बाई डिफॉल्ट पसंद है उनको होते हैं, खाओ मजा आएगा आपको। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में देख रहे हैं, जो दिल्ली में देख रहे हैं और जो लोग बाहर से वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहते हो ना भैया हमारे घर के आसपास आके वीडियो बनाया करो, भाई वीडियो तो बना लेंगे, दुकान का नाम और शॉप का नाम बता दिया करो, इतनी आप लोगों से गुजारिश है। और अगर छोले भटूरे की रेटिंग देने की बात आएंगे तो राहुल भाई 10 में से आप कितना रेटिंग दोगे आज के भटूरे को? 8। भाई इन्होंने सोच के बोला 8, अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या कहानी है। मेरे को अगर देने की बात आएगी तो मैं दूंगा 9.5, अपने तरफ से परफेक्ट है। मैंने आपसे ज्यादा छोले भटूरे खाए हैं इसलिए। अच्छा देखो ज्यादा वैरायटी बताए।
ठीक है, तो भाई खाते हैं पीते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।